हेलो दोस्तों, दोस्तों आपके अपने चैनल क्लासरूम विद आदित्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों ये जनरल साइंस का बायोलॉजी का वीडियो है। बायोलॉजी में ये वायरस है, वायरस का पार्ट टू है। इसके पहले पार्ट वन मैं अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल में, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है विषाणुओं द्वारा मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोगों से संबंधित है, ठीक है। दो प्रमुख रोग होते हैं उनसे संबंधित है और वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहले उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा जरूर करें, राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने जो आजकल का ट्रेंड है नए क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, सामान्यतः कोई भी सब्जेक्ट हो जीएस से संबंधित या किसी अन्य विषय से संबंधित, तो मैंने उसी फॉर्मेट में इसमें कुछ नए फैक्ट्स डाले जो आशा करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होंगे। दोस्तों वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि नए फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, उसको मैंने एलोबरेट भी किया, समझाया भी, एक्सप्लेन भी किया है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जो है मैं बोलूँगा, उसको लिखे तो हैं इसके साथ में मैं बोलूँगा भी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इसको, वीडियो को पूरा। देखिए दोस्तों, इसमें पहली जो बीमारी है वो चेचक है, यानी कि स्मॉल पॉक्स, यानी कि छोटी चेचक, ठीक। ये विषाणु जो होता है इसका, उसका नाम है वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर। इसका संक्रमण कैसे आता है, ये वायु से आता है और संक्रमित व्यक्ति से आता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल होता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए होता है, माफ करिएगा डीएनए होता है, और ये डबल हेलिक्स मॉडल में या डबल द्विगुणित फॉर्म में आप कह सकते हैं उस फॉर्म में होता है, ठीक है। दो खंडों के रूप में होता है, ठीक है, द्विगुणित होता है, ठीक, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है स्मॉल पॉक्स में कि छोटे छोटे दाने शरीर पे निकलते हैं बुखार के साथ में, ठीक। जो संक्रमण क्या होता है, संक्रमण में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो गया है तो उसके आसपास का वातावरण साफ़ रखने की सलाह दी जाती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि अगर मान लीजिए वातावरण साफ़ नहीं होगा और कोई व्यक्ति उधर गया, स्वस्थ व्यक्ति उधर गया, उसके पास में गया, तो ये वायु के माध्यम से, उसकी सांसों के माध्यम से विषाणु निकलता है और स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। इस कारण से वातावरण को शुद्ध रखने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी चेचक है, स्मॉल पॉक्स है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगली बीमारी है बड़ी चेचक यानी कि चिकन पॉक्स। इसमें क्या होता है, सेम छोटी चेचक की तरह ही स्थिति है, इसमें शरीर में बड़े दाने निकलते हैं, उसमें छोटे, इसमें बड़े दाने निकलते हैं, और इसका जो विषाणु है वो है वेरसिएला जोस्टर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में VZV कहा जाता है इसको। संक्रमण सेम वैसे ही जैसे छोटी चेचक में होता है, स्मॉल पॉक्स में होता है, वायु द्वारा और संक्रमित व्यक्ति से। उपस्थित न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो भी डीएनए ही होता है जैसे उसमें होता है। दोस्तों देखिए, ये जो बड़ी चेचक है चिकन पॉक्स से समानता समाप्त हो चुका है, ठीक है, टीकाकरण के माध्यम से समाप्त हो चुका है। जो सिर्फ इसकी कुछ विषाणु जो बाकी हैं वो सिर्फ अनुसंधान के रूप में प्रयोगशाला में संरक्षित किए गए हैं अनुसंधान करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और कभी कभार अपवाद स्वरूप ये जरूर देखने को मिल जाती है, लेकिन सामान्यता अब ये नहीं फैलती। जो अब फैलती है वो छोटी चेचक आप लोगों को कभी कभार देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बड़ी चेचक सामान्यता समाप्त हो चुकी है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगली बीमारी का नाम है हर्पीज। हर्पीज क्या है, देखिए दोस्तों, हर्पीज जो है इसका वायरस है हर्पीज सिंप्लेक्स, और ये इसका संक्रमण आता है त्वचा का संपर्क, चुम्बन, असुरक्षित यौन संबंध, और इसका जो उपस्थित न्यूक्लिक एसिड है इसमें वो डीएनए है, ठीक। तो हर्पीज़ में देखिए दोस्तों क्या होता है, हर्पीज़ कई प्रकार की होती है, और हर्पीज़ में जो सामान हर्पीज़ है मैं बता रहा हूँ कि हर्पीज़ में क्या होता है कि पीठ के साइड में एक दाना निकलता है, ठीक है, और ये दाने में दर्द होता है और इससे बहुत सारे दाने और भी हो जाते हैं, बुखार आता है साथ में, और इन दानों में दर्द के साथ में जलन भी बहुत होती है, और ये दाने जो है बैक साइड से यानी कि पीठ से ऊपर की तरफ, गर्दन की तरफ बढ़ते हुए हेड की तरफ आते हैं और फिर माथे पर भी आ जाते हैं। तो ये जो है एक बहुत पीड़ा दायक, बहुत कष्टकारी बीमारी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हर्पीज़ है, ये चेचक नहीं है, याद रखिएगा, ये खसरा नहीं है, ये एक अलग तरीके की बीमारी है, ठीक है, उन दोनों से अलग है और बहुत पीड़ादायक बीमारी है। जेनेटल हर्पीज़ भी होती है, जननांगों पर भी दाने निकलते हैं, इसीलिए असुरक्षित यौन संबंध का जिक्र है यहाँ पे, संक्रमण की विधि तो वो सामान्यता कम होती है, लेकिन जो सामान्य हर्पीज़ है वो मैंने आपको बता दी। इसको कुछ जगहों पर अर्धमारी, हिंदी में अर्धमारी भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, हर्पीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, अगली बीमारी का नाम है रेबीज़। रेबीज़ के
विषय में चर्चा करेंगे, तो रेबीज जो है ये भी विषाणु जनित है और इसमें रेबीज लाइसा वायरस इसका वायरस है, ठीक। और ये इसका जो संक्रमण आता है वो आता है जानवरों से, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, चमगादड़, चौपाए यानी कि कैटल्स जिनके चार पैर होते हैं, लोमड़ी, भेड़िया, मनुष्य आदि। देखिए मान लीजिए अगर कोई जानवर या मनुष्य संक्रमित है, ठीक है, आपका रेबीज से, तो होता क्या है कि अगर वो उस किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति या जानवर को काट लेता है या नाखून मार देता है तो उसमें काटने पर उसके लार में ये वायरस होता है और वो आ जाता है, ठीक है, स्वस्थ जानवर या स्वस्थ मनुष्य के शरीर में और वो उससे ग्रसित हो जाता है, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि अनुवांशिक पदार्थ है, न्यूक्लिक एसिड, वो सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एकल आरएनए है, ठीक यार, ये याद रखिएगा। कुछ अन्य तत्वों की बात कर लेंगे इसमें, तो अन्य तत्वों में ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है यानी कि नर्वस डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें व्यक्ति हाइड्रोफोबिया का शिकार होता है, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरना, ठीक है, उसका शिकार हो जाता है। देखिए दोस्तों जो ये वायरस होता है ये दिमाग पे इफेक्ट करता है, तंत्रिका पे इफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट करता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम होता है, टीका इसका लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जिसको इस तरीके की जानवर काट लेता है तो उसको टीका लगाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों इसकी जो खोज करी थी इसके टीके की, वो खोज करी थी लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने। तो लुईस पाश्चर के विषय में और इस रेबीज के टीके के विषय में संबंधित एक कहानी है कि एक छोटा लड़का था, वो अपनी नानी के साथ में जा रहा था, तो उसको एक पागल कुत्ते ने काट लिया और किस्मत से वो लुईस पाश्चर से टकरा गया। लुईस पाश्चर उस टाइम इस टीके पर खोज कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उन्होंने वो टीका इस बच्चे को लगाया और कुछ दिनों में वो ठीक हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। लुईस पाश्चर और इस तरीके से रेबीज टीके की खोज करते हैं, ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, अगला पॉइंट है कि ये अगली बीमारी का नाम है पोलियो, इसको ये पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है। तो अगर पोलियोमेलाइटिस की बात करेंगे तो इसमें देखिए विषाणु का नाम है एंट्रोवायरस सी, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड इसका क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और संक्रमण कैसे आता है, प्रत्यक्ष संपर्क दूषित पानी भोजन से आता है, ठीक है। तो सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चों की एक आदत होती है कि वो हर चीज़ मुँह में डाल लेते हैं, ठीक है, और मिट्टी भी खाते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो ये वायरस मौजूद होता है मिट्टी में मौजूद होता है, ठीक, इसके साथ में दूषित पानी में मौजूद होता है, भोजन में मौजूद होता है, तो बच्चा जब मुंह में डालता है तो उसके अंदर चला जाता है, ठीक। तो अब होता क्या है कि इफेक्ट कर देता है। अब ये भी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है यानी कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। पोलियो के विषय में थोड़ा सुन लेते हैं। पोलियो में होता ये है कि मान लीजिए किसी बच्चे का शरीर इससे ग्रसित हो गया और ग्रसित होने के बाद में क्या होता है कि ये वायरस लकवा मार देता है बच्चे को, ठीक है, यानी कि पैरालाइज कर देता है। और पैरालाइज करने पर क्या होता है, वो तंत्रिका जिस पार्ट में लकवा या जिस अंग में लकवा मारा है वो धीरे धीरे बेकार हो जाता है और इसके साथ में नस बेकार हो जाती हैं, वहाँ की मांसपेशियाँ बेकार हो जाती हैं। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो मांसपेशियाँ या तंत्रिकाएँ वहाँ पे सक्रिय बहुत ज़्यादा ना होने के कारण से वो अंग जो है सूखता हुआ चला जाता है, पतला होता हुआ चला जाता है। तो अगर आपने पोलियो पेशेंट्स देखे होंगे तो उसमें दिक्कत ये है उनके साथ में होती है कि उनका जो ऑर्गन होता है हाथ या पैर, लिम्स जो होते हैं उनमें से कोई पार्ट जो है वो पतला होता है। तो उसका रीज़न यही है कि उनको पैरालाइज हो गया बचपन में और मांसपेशियाँ सिकुड़ती हुई चली गई, इस कारण से ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ अन्य फैक्ट हैं पोलियो से संबंधित। तो पोलियो से संबंधित इसमें जो फैक्ट हैं वो ये हैं कि पोलियो विषाणु के खोजकर्ता कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर थे और इरविन पॉपर थे, 1908 में इन्होंने ये खोजा था, ठीक, याद रखिएगा। पोलियो के टीके की खोजकर्ता अक्रिय विषाणु यानी मृत विषाणु से जिन्होंने टीका बनाया, ठीक, वो आईपीवी वैक्सीन बनाया, आईपीवी वैक्सीन यानी कि इंटरवेनस पोलियो वैक्सीन, आईपीवी इंटरवेनस पोलियो वैक्सीन, ठीक। खोजकर्ता कौन थे, डॉक्टर जॉन साल थे 1955 में। देखिए अगला पॉइंट ये है कि जीवित विषाणु यानी कि कमजोर विषाणु यानी कि ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता थे डॉक्टर एल्बर्ट साबिन 1961 में, ठीक है। ये अलग अलग वैक्सीन इन दोनों ने खोजे थे। और मैंने जैसे पहला बताया कि पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग होता है, ठीक। अब देखिए वैक्सीन के विषय में थोड़ा सुन लेते हैं। वैक्सीन दो प्रकार की होती हैं, एक आईवी वैक्सीन होती हैं और एक ओवी वैक्सीन होती हैं, ठीक है। और आईवी वैक्सीन क्या मतलब होता है, आईवी वैक्सीन का मतलब होता है जो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती हैं यानी कि इंटरवेनस वैक्सीन, ठीक है, जो सुई के माध्यम से दी जाती हैं। तो उसी तरीके से आईपीवी पी जो लग गया पोलियो से संबंधित लग गया, तो आईपीवी का मतलब इंटरवेनस पोलियो वैक्सीन, जॉन साल्क ने खोजा
और ये मृत कण थे उस विषाणु के जो पोलियो पोलियो फैलाता है, ठीक है, ये पोलियोमेलाइटिस के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि जो एल्बर्ट साबिन ने खोजा था वो क्या था, वो कमज़ोर विषाणु था। उस विषाणु के उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया गया था जो कि लकवा मारने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, उसको हटा के विषाणु को कमज़ोर कर दिया गया और वो जो दो बूंद जिंदगी के जो बच्चे पोलियो की दवा पीते हैं, ठीक, उनको दिया गया, ठीक। और इसके साथ में मुंह से जो दवा दी जाती है वो ओपीवी कहलाती है, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाती है, ठीक। ये चीज़ याद रखिए, साबिन ने इसकी खोज की थी 1961 में। और नर्वस डिसऑर्डर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला देखिए, अगली बीमारी है दोस्तों एड्स, यानी कि पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम एड्स। विषाणु का नाम क्या है, HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, ठीक। अब देखिए इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए संक्रमण की बात करेंगे हम, संक्रमण कैसे आता है, संक्रमण शरीर के तरल का संपर्क से आता है, असुरक्षित यौन संबंध से आता है। तो बॉडी फ्लूड से इसका कॉन्टैक्ट हो जाए किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका कॉन्टैक्ट हो जाए एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ में, उसके बॉडी फ्लूड के साथ में, तो उसको संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। देखिए बॉडी फ्लूड का मतलब क्या है, रक्त हो गया, प्लाज्मा हो गया, जितना भी तरल पदार्थ होता है सिवाय लार के और सिवाय आंसू के, क्योंकि इसमें एड्स का विषाणु कमज़ोर होता है, ठीक, याद रखिएगा। तो इस कारण से वो संक्रमण की अवस्था में नहीं हो सकता, ठीक है। तो खून, इसीलिए डिस्पोजल सिरिंज, रीयूज सिरिंज की मनाही होती है, डिस्पोजल सिरिंज बोली जाती हैं, साफ़ सुथरे ऑपरेटर्स बोले जाते हैं बीमारी के दौरान देखने के लिए, ठीक है। और इसीलिए नाई की दुकान में साफ़ अस्तुरा हाइजीन से युक्त बोला जाता है, ठीक है, ब्लेड का रीयूज़ नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो इससे बचाव करती हैं, ठीक, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा इंडिया और अफ्रीका जैसे देशों में सबसे बड़ा कारण जो है वो असुरक्षित यौन संबंध है, जिसके कारण से एड्स का संचार बहुत तेजी से इन देशों में या इन कॉन्टिनेंट्स में हुआ है, एशिया में या अफ्रीका में, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया में इस असुरक्षित यौन संबंध के कारण से सबसे ज़्यादा एड्स बढ़ा है, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसकी खोजकर्ता कौन है, तो जो लक मॉन्टिंगर्स जो हैं और उनकी टीम ने 1983 में HIV-1 की खोज की थी, ठीक, याद रखिएगा। HIV जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, HIV-1 और HIV-2, ठीक। तो ये इन्होंने खोजा था 1983 में। फिर देखिए एड्स में क्या होता है, एड्स में प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। अब देखिए एक चीज़ समझिए कि एड्स अपने आप में खुद में कोई बीमारी नहीं है, जैसा आप लोगों ने नाम सुना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, एक ऐसे लक्षणों का ये ग्रुप है जो आपके जो किसी व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। यानी कि आप लोगों ने WBC का नाम सुना होगा, WBC का काम क्या होता है, WBC का काम होता है जो रोगाणु आते हैं बाहर से उनको उनसे लड़ना और उनको मार के खा जाना, ठीक है। WBC कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, तो उसमें से एक टी सेल्स होती हैं या CD4+ टी सेल्स कहा जाता है, उनको ये विषाणु कमजोर कर देता है, खा जाता है, ठीक है, और जिसके कारण से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। दूसरी बीमारियों के कारण से व्यक्ति की को कि शरीर की हानि होती है, और अगर मृत्यु होती है तो वो दूसरी बीमारियों के कारण से होती है, ना कि एड्स के कारण से होती है, ठीक, याद रखिएगा। एड्स जो है सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, ठीक, और कुछ नहीं करता, ठीक, याद रखिएगा इसको। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि जो HIV-1 होता है वो आपका ग्लोबल है, यानी कि ज़्यादातर विश्व में यही देखने को मिलता है। HIV-2 जो है वो सिर्फ पश्चिम अफ्रीका में सामान्यता देखने को मिलता है, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए अब बात करेंगे कि जो एड्स में शरीर की टी सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको CD4+ टी सेल्स भी कहा जाता है, ये प्रभावित हो जाती हैं। तो कौन सी सेल प्रभावित होती हैं, याद रखिएगा, टी सेल्स या CD4+ टी सेल्स, ठीक। एड्स रेट्रोवर्डी परिवार से, फैमिली से आता है। रेट्रोवर्डी यानी कि आरएनए वाला है और अपने किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंच करके वो डीएनए में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं उसको एड्स हो, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। HIV पॉजिटिव का होने का मतलब ये है कि उसके शरीर में एड्स का विषाणु उपस्थित है, ठीक है, और एड्स का मतलब ये कि उस वो विषाणु सक्रिय हो गया है और सक्रिय होने के बाद में जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो गई है, ठीक है, और कमज़ोर होना प्रारंभ हो गई है। तो जब इम्यूनिटी कमज़ोर होना प्रारंभ हो जाती है तो वो एड्स की कंडीशन है, उसके पहले HIV पॉजिटिव होना सिर्फ विषाणु की उपस्थिति है। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि अगर HIV पॉजिटिव कोई व्यक्ति है
तो ये आइडेंटिफाई होने में 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि एचआईवी का जो विंडो पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है। एचआईवी विषाणु का विंडो पीरियड 3 महीने का। तो विंडो पीरियड देखिए क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। विंडो पीरियड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई संक्रमण आया, पैथोजन से किसी रोगाणु से संक्रमण आया, वो रोगाणु जब बॉडी में एंटर करता है तो तुरंत वो आपका सक्रिय नहीं होता, ठीक है। जैसे एड्स के विषाणु की बात करेंगे तो तुरंत सक्रिय नहीं होता, वो जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के बाद में वो बॉडी के डीएनए के स्ट्रक्चर को समझता है और अपने आरएनए को उसी के अनुकूल ढालता है। ये पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 3 महीने का समय लगता है, तब तक ये विषाणु की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती जाँच के माध्यम से, ठीक, याद रखिएगा। 3 महीने बाद ही जाँच से पता लगता है कि एड्स का संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो जाँच की अवधि है या जो आप किसी व्यक्ति को पता नहीं लग पाता कि उसके अंदर एड्स का संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ, लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाते, यही इसका विंडो पीरियड कहलाता है, ठीक है। ये किसी भी बीमारी का हो सकता है, जैसे कि आपका कोरोना का इस टाइम समय चला, तो कोरोना का कहा था ना 14 दिन का क्वारंटीन करना है, तो 14 दिन का क्वारंटीन इसीलिए किया, अगर लक्षण प्रदर्शित होंगे तो 14 दिन में कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो विंडो पीरियड का कम से कम 14 दिन का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि जब एड्स का लक्षण प्रदर्शित होता है, विंडो पीरियड उसका ख़त्म होता है, तो होता क्या है कि कभी बुखार आ जाता है एकदम से, वो ठीक हो जाता है, जिन अंगों पे दाने आ जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो इस तरीके के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है तो वो सिर्फ कहीं एचआईवी पॉजिटिव ही बना रहे हमेशा, और इसके साथ में उसको एड्स का सिम्टम ही नहीं प्रदर्शित हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका विंडो पीरियड कभी को ख़त्म ही ना हो, एड्स का विषाणु बॉडी में इन्फेक्ट किया और करने के बाद में वो रिसेसिव स्टेज में पड़ा रहा, उसने कभी वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आया। जब वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आया तो वो एड्स में परिणित नहीं होगा, वो सिर्फ एचआईवी पॉजिटिव दिखाएगा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक, याद रखिएगा। कभी कभी कुछ लोगों में 3 महीने से ऊपर के समय में साल भर 10 साल बाद ही एक्टिव होता है, कभी कभी पूरी ज़िंदगी एक्टिव नहीं होता, तो इस तरीके के भी केसेस देखने में सामने आए हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए एक अगला पॉइंट इसमें क्या है कि NRTIS या इसको कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक। NRTIS क्या है, न्यूक्लियोसाइड भी कह सकते हैं या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में न्यूक्स भी कहते हैं। ये वो दवाएं हैं जो कि एड्स की वृद्धि को रोकती हैं। तो सवाल पूछेगा कि ये दवाएं क्या कहलाती हैं, न्यूक्स कहलाती हैं या आपकी NRTIS कहलाती हैं, ठीक, याद रखिएगा। उसकी वृद्धि को बाधित करती हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, जीडोवुडाइन या ZVV, रेट्रोविर, ठीक है, लैमीवुडाइन या 3TC, इपिविर, एबाकेविर, ठीक, डिडेनोसाइन, ठीक, फिर उसके बाद में स्टेवुडाइन, टेनोफेविर, डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट, ठीक है। तो इस तरीके की दवाएं जो हैं वो एड्स के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। अब एड्स की जांच के लिए एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट का पूरा नाम याद रखिएगा, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसको कहा जाता है, ये एलाइजा का पूरा नाम है जो एड्स की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया एड्स से संबंधित बीमारियों के विषय में चर्चा, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई भी दवा ऐसे कभी नहीं प्रयोग करनी चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के, ठीक। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा कभी नहीं प्रयोग करनी चाहिए। अगला देखिए, अगला पॉइंट है कि खसरा मिजल्स या जर्मन मिजल्स या 3D मिजल्स या रूबेला भी इसको कहा जाता है। अब देखिए खसरे के विषय में जान लेते हैं, विषाणु है रूबेला, ठीक। संक्रमण कैसे आता है, इसका संक्रमण आता है प्रत्यक्ष संपर्क से नाक से गले के म्यूकस से। म्यूकस क्या होता है, जब गले में जब सर्दी जुखाम होता है तो बलगम जो बनता है, ठीक है, लसलसा सा पदार्थ जो बनता है चिपचिपा, उसे की उसी को म्यूकस कहते हैं। तो उसमें ये वायरस उपस्थित होता है गले की म्यूकस में, और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है उसके संपर्क में आ गया तो उसको ये बीमार कर देगा, ठीक है। सामान्यतः बच्चे ज़्यादा जल्दी संक्रमित हो जाते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, खसरा, खसरे के विषय में समझ लीजिए, जैसे चेचक होती है सेम वैसे ही खसरा भी होता है। अब खसरे में क्या होता है, चेचक में थोड़े बड़े दाने होते हैं, खसरे में बहुत महीन महीन दाने निकलते हैं, साथ में बुखार भी आता है। तो बच्चों के लिए
रुबेला टीकाकरण कार्यक्रम जो है खसरे से बचाव के लिए स्कूलों में चलाया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड इसमें क्या होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एक इसकी जो जांच वैक्सीन है उनके नाम सुन लीजिए, इसको कहा जाता है एमएमआर वैक्सीन या एमएमआरवी वैक्सीन। अब पूरा नाम क्या है, मेजल्स मम्स रुबेला जर्मन मेजल्स वारसीला, यानी कि चिकन पॉक्स से बचाव के लिए एक संयुक्त टीका है, ठीक है। इन सब बीमारियों से बचाव के लिए जो दिया जाता है इसी को आप एमएमआर या एमएमआरवी वैक्सीन के नाम से पुकारते हैं, ठीक, याद रखिएगा। और सामान्य भाषा में हम खसरे के टीकों को रुबेला टीका भी कहते हैं, ठीक है, रुबेला खसरे के लिए, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए अगली बीमारी की बात करेंगे तो पीलिया या जॉइंटिस या हेपेटाइटिस है, ठीक। पीलिया देखिए पांच प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ए वायरस एचएवी, फिर हेपेटाइटिस बी एचबीवी, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी या एचएससीवी, हेपेटाइटिस डी एचडीवी, हेपेटाइटिस ई या एचईवी। वी का मतलब यहाँ पे वायरस से है, ठीक। अब देखिए दो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी प्रकार की हेपेटाइटिस या पीलिया होती है वो विषाणुओं के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो प्रकार है वो दिया गया है, ठीक है, किस प्रकार का उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखिए हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस ए का जो विषाणु है उसको हेपेटाइटिस ए विषाणु कहा जाता है और इसमें जो है एचएवी जो है इसका विषाणु है और पिकोरेना वायरस इसका विषाणु होता है, ठीक है। और सिंगल स्टैंडर्ड एसएस का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड से है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एकल जो है वो आरएनए अणु होता है, मतलब एकल आरएनए होता है, अणु तो नहीं कहेंगे, एकल आरएनए होता है, ठीक, सिंगल फॉर्म में आरएनए होता है। हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे तो विषाणु क्या है, एचबीवी है और इसका जो अदर आप नेम कह सकते हैं तो ये है ऑर्थो हेपेटिना वायरस, ठीक है, ऑर्थो हेपेटिना वायरस ये है और डीएस डीएनए होता है, आरटी होता है, डीएस मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, आरटी में रेट्रोवायरस की तरह से ये रिएक्ट करता है, ठीक है। सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत सरकार ने भारत में हेपेटाइटिस बी के अवेयरनेस प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑर्थो हेपेटिना वायरस और डीएस डीएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरटी फॉर्म में, ठीक है। अगला देखिए हेपेटाइटिस सी की बात करेंगे, विषाणु एससीवी, ठीक है, और हेपेसी वायरस जो है इसका हेपेकी वायरस जो है वो इसका वायरस है और इसके साथ में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है इसमें। फिर इसके बाद में हेपेटाइटिस डी की बात करेंगे तो एचडीवी डेल्टा वायरस इसका वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। हेपेटाइटिस ई की बात करेंगे तो हैपी वायरस इसका वायरस है, एचईवी और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है इसमें, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, इसमें संक्रमण कैसे आता है। अगर हेपेटाइटिस ए के संक्रमण की बात करेंगे तो वो दूषित भोजन और दूषित पानी से आता है जिसे सामान्य पीलिया कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो कॉमन जॉइंडिस होती है कभी ना कभी किसी ना किसी को व्यक्ति को हो जाती है जीवन में, तो ये सामान्य पीलिया है जो दूषित भोजन दूषित पानी से। हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक है, ठीक है, शरीर के ये उन्हीं कारणों से फैलती है जैसे जैसे एड्स फैलता है, तो शरीर का तरल का संपर्क और असुरक्षित यौन संबंध से ये बीमारी फैलती है। इसके बाद में हेपेटाइटिस सी की बात करेंगे तो शरीर के रक्त से तरल के संपर्क और असुरक्षित यौन संबंध से फैलती है, ठीक है, जैसे बी फैलती है और एड्स फैलता है। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस डी की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस डी जो है हेपेटाइटिस बी की सहायता के लिए या बी की सहायता से निर्मित हो जाती है, ठीक, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस ई की बात करेंगे तो जैसे हेपेटाइटिस ए फैलता है, ठीक है, मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश होता है इसका, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से आपको हेपेटाइटिस बी के विषय में ज़्यादा याद रखना, हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक है और जो हेपेटाइटिस होती है या कोई भी पीलिया होती है वो शरीर में लीवर को इफेक्ट करती है। तो अगला जो पॉइंट है वो यही है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है पीलिया से, हेपेटाइटिस से, लीवर प्रभावित है, यकृत प्रभावित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए हेपेटाइटिस बी की जो जांच होती है, ठीक है, वो जैसे उसमें एड्स में एलाइसा टेस्ट था उसमें क्या है, इसमें टेस्ट होता है HBsAg और HBeAg एंटीजन की जांच की जाती है, ठीक, याद रखिएगा। HBsAg अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का वो शिकार है, ठीक। और देखिए फिर उसके बाद में जो दवाएँ दी जाती हैं हेपेटाइटिस बी के प्रयोग के लिए वो कौन कौन सी हैं, वो है एंटीकेविर, ठीक है, यानी कि बाराक्लूड, टेनोफोविर यानी कि वायरिएड, फिर उसके बाद में लैमिवुडाइन यानी कि एपिविर, और फिर है एडिफोविर यानी कि हेप्सेरा, फिर उसके बाद में
टेल्बीवुडाइन यानी कि टाइजे का। देखिए ये जो दवाएं हैं ये कभी भी अपने आप से कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे पढ़ने की चर्चा के लिए हैं, हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा लेनी चाहिए, ठीक है। ये दवाएं सामान्यतः प्रयोग की जाती हैं। अगला देखिए, अगली बात करेंगे तो अगला जो बीमारी है वो है कॉमन कोल्ड या फ्लू की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू की बात करेंगे। अब देखिए ये भी सब विषाणु संक्रमित रोग हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट जो कह रहा है कि कह रहा है कॉमन कोल्ड की बात करेंगे तो कॉमन कोल्ड या साधारण सर्दी जुकाम, इसका जो विषाणु है वो राइनो वायरस है और इसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है और इसका संक्रमण वायु के द्वारा मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, खांसी से, जुकाम से, इसके माध्यम से, छींक से, इसके माध्यम से संक्रमण फैलता है, ठीक है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा कह सकते हैं, तो फ्लू या इन्फ्लुएंजा जो है वो दरअसल चार प्रकार का होता है और इसका वायरस भी चार ही प्रकार का कहलाता है, जैसे फ्लू ए बी सी डी, तो उसी प्रकार से इसका वायरस भी फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस ए बी सी डी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस विषाणु की फैमिली जो है वो ऑर्थोमिक्सोवर्डी है, ठीक है, जिस परिवार से ये आता है ऑर्थोमिक्सोवर्डी से आता है और इसके विषाणु जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला होता है और इसका भी जो संक्रमण फैलता है वायु द्वारा मानव संपर्क से, ना छींक से, खांसी से, जुकाम से, उसके द्वारा फैलता है। अब देखिए अब बात करेंगे कोरोना, जो आजकल बहुत चर्चा में है कोरोना, तो कोरोना की जो फैमिली है वो कोरोनोवर्डी है, ठीक है। इसका विषाणु कोरोना या कोविड 19 कहलाता है, जो अभी वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला अणु है, ठीक है, विषाणु है, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर से, हुबेई प्रांत में पड़ता है वुहान शहर, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी कोविड 19। वैक्सीनेशन इसके लिए ढूंढा जा रहा है, वैक्सीन ढूंढी जा रही है, ठीक है, उस पर खोज जारी है। अगली देखिए बीमारी है, अगली बीमारी का नाम है सार्स, लेकिन उसके पहले कोरोना फैलता कैसे, वही जुखाम खांसी के संक्रमण से और बहुत से अन्य माध्यम भी हैं कि वो स्प्रेड होता है, सब रिसर्च जारी है, डिटेल जब और डिटेल आएगी तो उसको और मैं एलोबरेट करूँगा। अब देखिए सार्स के संबंध में बताएंगे, सार्स में क्या है, सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है, इसके विषाणु को सार्स को सीओवी कहा जाता है, सीओवी का मतलब है कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस, ठीक। तो कोरोना वायरस कई प्रकार का होता है, ठीक है, लगभग 7 प्रकार का कोरोना वायरस होता है, इसमें सार्स और कोविड 19 और मर्स शामिल है। तो इसमें सार्स सीओवी है या सार्स सीओवी 1 है, तो कोरोना वायरस 1, सार्स कोरोना वायरस 1, ये सार्स की बीमारी है, ठीक है। ये कोरोना वायरस परिवार का ही है, यानी कि कोरोनोवर्डी फैमिली का ही एक विषाणु है। और इसका जो प्रारंभ हुआ था, इसका सबसे पहले पता 2002 में लगा था हांगकांग और ग्वांजू चीन में, ठीक है, हांगकांग में और ग्वांजू प्रांत है, ग्वांजू जगह है चीन में, उसमें वहाँ पे सबसे पहले इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। और आप इसे इसकी जानकारी 2003 में प्राप्त हुई, ठीक है, यहाँ पे कि मतलब 2002 में फैला वहाँ पे हांगकांग में, ग्वांजू में, और उसके बाद में 2003 में आइडेंटिफाई हुआ। और आप इसे 21वीं सदी की पहली महामारी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कोरोना महामारी के रूप में, तो ये जो सार्स था 21वीं सदी की पहली महामारी है। और इस बीमारी का सुपर स्प्रेडर कौन था, वो था जो जुआफेन नाम का चीनी व्यक्ति था, ठीक है। और इसका प्रकोप 2002 से 2004 तक रहा। इसका संक्रमण जो है वो चमगादड़ों से, बिल्लियों से तथा अन्य जानवरों और मनुष्यों से मनुष्यों में फिर आने लगा, जैसे जुखाम की तरह और मल के माध्यम से, ठीक। अब देखिए जो सुपर स्प्रेडर के विषय में जाना था, एक शब्द इसमें आया सुपर स्प्रेडर, क्या होता है सुपर स्प्रेडर का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनको कोई उस बीमारी का लक्षण तो प्रदर्शित नहीं होता, वो स्वयं तो बीमार नहीं दिखते, लेकिन जब वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो वो दूसरों को बीमार करने की क्षमता रखते हैं और ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को सुपर स्प्रेडर कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये सुपर स्प्रेडर होते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो है चमगादड़ों और बिल्लियों से आया और इसके बाद में मनुष्य में फैला, फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलने लगा, जैसे जुकाम से फैलता है और मल के माध्यम से भी फैलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मल को का वो भी इसमें कारण बताया गया है स्प्रेड होने का, ठीक। अब देखिए अगली बीमारी मर्स से संबंधित है, मर्स भी आपका कोविड 19 कोविड परिवार का ही एक वायरस है, ठीक है, कोरोना परिवार का ही एक वायरस है। अब देखिए मर्स का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये भी श्वास तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है, जैसे कोविड है और आपका सार्स है, ठीक है। इसका विषाणु भी कोरोना समूह का ही है, परिवार का ही है, और इसके विषाणु को कहा जाता है मर्स सीओवी, यानी कि मर्स कोविड या कोरोना वायरस, ठीक, और ईएमसी 2012 यानी कि एचसीओवी
ईएमसी 2012 इसका नाम दिया गया, ठीक। और इसके साथ में इसको, इसके संक्रमण का जो कारण बताया गया वो बताया गया चमगादड़ मानव ऊँट के माध्यम से फैला। 2012 में इसका संक्रमण सऊदी अरब में सबसे पहले सामने आया, फिर मध्य एशिया में फैला। तो ये भी कोरोना परिवार से ही जुड़ी हुई रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बीमारी है। अब देखिए अगली बीमारी है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। विषाणु का नाम है H5N1। ये RNA युक्त होता है, ठीक है। RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है। संक्रमण कैसे आया, पक्षियों से आया, ठीक है, और फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलने लगा, श्वास तंत्र से प्रभावित हुआ। सर्वप्रथम 1996 में चीन में ज्ञात हुआ था ये भी, ठीक, क्या बर्ड फ्लू। और अगला देखिए, अगला स्वाइन फ्लू बीमारी है। स्वाइन फ्लू जो है वो आपकी स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस SIV या स्वाइन ओरिजिन इन्फ्लुएंजा वायरस SOIV नाम की बीमारी से के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विषाणु है वो कौन सा है, H1N1, H1N2, और ये भी RNA युक्त होते हैं। तो बर्ड फ्लू के लिए H5N1 और इसके लिए H1N1 और H1N2, ठीक, याद रखिएगा। ये कैसे आया, ये आया सुअरों से आया, ठीक है, और सुअरों से मनुष्य में आया, फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलने लगा, ठीक है। स्वाइन फ्लू को सबसे पहला केस जो है मैक्सिको में प्राप्त हुआ था, अमेरिका में प्राप्त हुआ था 2009 में, सबसे पहले ये वहाँ पे आया था। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, इबोला वायरस की बात करेंगे। इबोला वायरस डिजीज़ EVD भी कहा जाता है, और इसका जो विषाणु का नाम है वो है ज़ायरे इबोला वायरस या इबोला वायरस EBOV। RNA युक्त होता है। संक्रमण चमगादड़ों से आया, सामान्यतः फ्रूट बैट से आया, ठीक है, कुछ वैम्पायर बैट भी का भी कारण बताते हैं इसका, ठीक है। फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलने लगा। और इबोला का पहली बार ज्ञान 1976 में कॉन्गो गणराज्य यानी कि ज़ायरे में हुआ। देखिए इसके विषय में थोड़ा डिस्क्रिप्शन सुन लेते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। अफ्रीका का एक देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि कॉन्गो गणराज्य, वहाँ पर एक नदी बहती है इबोला। सबसे पहले उसी नदी के किनारे आइडेंटिफिकेशन हुआ था इस वायरस का, ठीक है, याद रखिएगा चमगादड़ों में। और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसमें होता क्या है, जब इसका इन्फेक्शन आता है तो इसमें बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, अंदर के अंग फटने लगते हैं, फिर बुखार आने के साथ में और इसके साथ में शरीर की बाहर की त्वचा फटने लगती है और खून बाहर की तरफ रिसने लगता है, ठीक है, और बॉडी खून से लथपथ हो जाती है। और उस टाइम में अगर उस व्यक्ति को किसी ने छू दिया, उसके आसपास आया, तो वो भी संक्रमित हो जाता है, ठीक है, मृत्यु निश्चित है, ठीक। तो इबोला बहुत ही खतरनाक बीमारी, कोई इलाज नहीं है, तो वहाँ से जनरेट हुआ, ठीक, याद रखिएगा। और वैम्पायर बैट्स क्या होते हैं, ऐसे चमगादड़ जो जानवरों को काट लेते हैं और जब खून दिसता है उनका, उसको पी करके अपना पेट भरते हैं, ऐसे को वैम्पायर बैट कहा जाता है। सामान्यतः ये फ्रूट बैट भी माना जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए मम्स अगली बीमारी का नाम है। मम्स क्या है, मम्स विषाणु का नाम है, मम्स ऑर्थो रूबेला वायरस, ठीक है, सिंगल स्ट्रेन का RNA होता है, वही सिंगल स्ट्रेन RNA है, ठीक है, SSRNA है। विषाणु की फैमिली है पैरामिक्सोवर्डी, ठीक है। संक्रमण कैसे ये है आता है, ठीक है, पेरोटिड और सलाइवरी ग्रैंड में गले में होती हैं, ये संक्रमण उसमें हो जाता है, लार से, छींक से, खांसी से, संक्रमित स्थान को छूने से, ठीक है, इन सब के माध्यम से संक्रमण आता है, ठीक है, याद रखिएगा। बुखार और लार ग्रंथि और गाल और कान के पास सूजन आ जाती है दर्द के साथ साथ में, ये मम्स नाम की बीमारी है जो विषाणु से होती है, RNA वाला ये विषाणु होता है, ठीक है। देखिए तो दर्ददायक बीमारी है, ठीक है, उस व्यक्ति के आसपास नहीं रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है, और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगली बीमारी देखिए डेंगू है। डेंगू जो है वो डेंगू वायरस DENV, ठीक है, इस वायरस का नाम है, और RNA युक्त होता है, और इसकी विषाणु की फैमिली जो है वो फ्लेविवर्डी है, फ्लेविवर्डी फैमिली का है ये, और इसका जो जीनस है विषाणु का वो फ्लेवी वायरस इसे कहा जाता है, ठीक है, जीनस। अगला देखिए संक्रमण कैसे आता है। एक मच्छर होता है एडीज एजिप्टी जो सामान्यतः दिन के समय में काटती है, ठीक है, वेक्टर का काम इसमें एडीज एजिप्टी मच्छर करता है, सामान्यतः 11 से 2 के बीच में ज़्यादा सक्रिय होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो रात में नहीं काटेगी, ठीक है, लेकिन उसका सक्रिय समय जो होता है सुबह के समय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एडीज एजिप्टी इसका वेक्टर है, इसके अंदर ये वायरस होता है, और ये वायरस इसके काटने पर मनुष्य के शरीर में आता है, बुखार होता है,
प्लेटलेट काउंट गिरने लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लक्षण क्या है, बुखार, तेज सरदर्द, जॉइंट पेन, वोमिटिंग, गंभीर दशा में डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो जाता है, यानी कि अंदर के ऑर्गन्स फट जाते हैं, ठीक है, और ब्लीडिंग होने लगती है, तो दिमाग में ये बुखार चढ़ जाता है, ठीक है, तो दिमाग को डैमेज कर देता है, ठीक है, तो ये आपका बहुत ख़तरनाक स्थिति बन जाती है। फिर इसके बाद में रक्त के जो प्लेटलेट सेल्स होती हैं उसमें कमी आ जाती है और खून पतला सा होने लगता है और अंग फेल होने लगते हैं। अगर टाइमली इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु भी हो सकती है, और प्लेटलेट देकर इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए बीमारी कौन सी, अगली बीमारी है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया फीवर जो है ये चिकनगुनिया वायरस यानी कि CHIKV, ठीक है, नाम के विषाणु से CHIKV यानी कि चिकनगुनिया वायरस के नाम से जाना जाता है इसका वायरस, और RNA युक्त होता है, ठीक है, टोगा वर्डी फैमिली का है, ठीक है, और अल्फा वायरस का एग्जांपल है, ठीक है। फिर देखिए संक्रमण कैसे आता है, संक्रमण एडीज जिप्टी मच्छर वही वाहक है, वैक्टर है, और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छर के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। लक्षण बुखार के साथ में जोड़ों में भयानक दर्द होता है और कई हजार लोगों में एक ही मृत्यु होती है, सामान्यतः इसमें मृत्यु नहीं होती है, डेंगू ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगली बीमारी का नाम देखिए निपाह है। निपाह में क्या होता है, निपाह वायरस NIV, ठीक है, RNA युक्त है, फैमिली है पैरामिक्सोवर्डी, जीनस है निपाह वायरस, ठीक, और संक्रमण कैसा आता है, फ्रूट बैट वही फल खाने वाले चमगादड़ों से आता है, मनुष्य से मनुष्य में होता है। लक्षण क्या होता है, बुखार, सांस में दिक्कत, सर दर्द, ठीक है, बहुत खतरनाक है निपाह भी अपने आप में, ठीक। फिर देखिए जीका बुखार, जीका वायरस ZIKV है, RNA युक्त होता है, फैमिली क्या है, फ्लेविवर्डी है, जीनस फ्लेवी वायरस है, संक्रमण मच्छर से आता है, किस मच्छर से, एडीज ईजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस से आता है, ठीक है, और लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, ये भी खतरनाक है, ब्राज़ील में फैली थी वर्ल्ड आपके ओलंपिक के समय में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में अगली बीमारी देखिए, अगली बीमारी है पीत ज्वर, और पीत ज्वर येलो फीवर कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है पीत ज्वर में कि जो वायरस है इसका येलो फीवर वायरस है, RNA युक्त होता है, फैमिली फ्लेवी वर्ड है, जीनस फ्लेवी वायरस है, संक्रमण एडीज जिप्टी मच्छर फैलाता है। लक्षण क्या है, बुखार, लीवर की समस्या और के साथ पीली त्वचा। इसके संक्रमण से लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और जिससे पीलिया उत्पन्न हो जाती है, इसके कारण से बुखार के साथ में पीलिया भी हो जाती है, इसलिए इसको पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर कहा जाता है। एडीज जिप्टी से ये भी फैलता है। अब देखिए अगली बीमारी का नाम है यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या STD कहते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि STI भी इसको कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है कि ये एक्चुअली 100 से अधिक विषाणुओं का ग्रुप होता है, जिसका मुख्य जो विषाणु होता है वो ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस HPV होता है, DNA युक्त ये वायरस होता है, जीवाणुओं द्वारा भी ये फैलता है, ठीक है, याद रखिएगा, यौन संचारित रोग जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं, लेकिन ये मैं वायरस की अभी यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। अब देखिए संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से होते हैं। फिर लक्षण क्या है, शरीर व जननांगों पर मस्से, जेनेटल हर्पीज, कैमिडिया स्त्रियों में सर्वाइकल कैंसर। देखिए जननांगों पर यानी कि जेनिटल पार्ट पे मस्से हो जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये STD का लक्षण हो सकता है, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसमें इस वायरस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, कभी कभी सर्वाइकल कैंसर क्रिएट करने में, ठीक है, तो STD के कारण से। अब देखिए अगली बीमारी है गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इन्फेक्शियस डायरिया, ठीक है, इन्फेक्शियस डायरिया में क्या होता है, इसका जो वायरस है वो रोटा वायरस है, ठीक है, और ये कभी कभी जीवाणुओं कवकों से भी होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस डायरिया, ठीक है, इन्फेक्शियस डायरिया। अब देखिए रेलम क्या है, राइबोवीरा है, फैमिली इसको इसकी है रियोवर्डी है, ठीक है। संक्रमण कैसे आता है, संक्रमण आता है इसका दूषित जल, निजी वस्तुओं का अन्य द्वारा प्रयोग, और इसके लक्षण क्या है, दस्त, उल्टी, पेट दर्द आदि, ठीक, तो डायरिया का फॉर्म है जो कि आपका इन्फेक्टियस डायरिया, ठीक है, या गैस्ट्रोएंटेराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट बीमारियां थीं जो विषाणुओं के द्वारा जनित होती हैं, और इसके साथ में हो सकता है कि एक वीडियो आपको और प्राप्त हो विषाणुओं पर, ठीक, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।